विदेशों में भारतीय निवेश साल दर साल घटता जा रहा है। इन्वेस्टर्स विदेशों में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। मई 2016 से मई 2017 के बीच विदेशों में हुए भारतीय निवेश में आधे से भी ज्यादा की गिरावट आई है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। भारत में विदेशी निवेशों की चर्चा की सरगर्मियाँ हमेशा बनी रहती हैं, पर इस बीच विदेशों में भारतीय निवेश साल दर साल घटता जा रहा है। भारतीय निवेशक अब विदेशों में कम पैसा लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के मुताबिक 2010 में भारत की तरफ से विदेशी निवेश 1596.8 करोड़ डॉलर का हुआ, जो कि 2011 में 1260.8 करोड़ डॉलर हो गया। यही आंकड़ा 2012 में 855.3 करोड़ डॉलर हुआ और फिर 2013 में 176.6 करोड़ डॉलर तक गिर गया। हालांकि 2014 में ये बढ़कर 995.1 करोड़ डॉलर पर आया, लेकिन 2015 में ये वापस गिर के 694.7 करोड़ डॉलर हो गया। जनवरी 2016 के मुकाबले 2017 में विदेशों में भारतीय निवेश 57% कम हुआ। फरवरी में 60.8% की गिरावट आई। मार्च में ये आंकड़ा बढ़ा, पर अप्रैल में फिर से 43.7% गिर गया और मई में भी पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा 55.6% और गिर गया। विदेशों में निवेश से कंपनियों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिससे बिजनेस करना आसान हो जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा फाइनेंशियल रिस्क कम होना है, क्योंकि एक इकोनॉमी में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आ भी गई तो दूसरी बैकअप के तौर पर रहती है, जिसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। इस निवेश में कमी आने से संकेत मिलता है कि भारत में भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन ठीक नहीं चल रहा है, जिससे उनमें बाहर पैसा लगाने का आत्मविश्वास कम हो रहा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।